हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके दोस्तों। स्क्रीन पे आपको दिख रही है बहुत सारी चीज़ें। एक साइड में है भोकाल, एक साइड में है पिट्ठू गरम, एक साइड में है द लास्ट डिटेक्टिव रिडम्पशन। तो गैस करिए इस वीडियो में किस बारे में बात करने जा रहे हैं। 1 2 3 यस। तो इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे पिट्ठू गरम की, इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे द लास्ट डिटेक्टिव रिडम्पशन की। इसको मैं लेके आऊंगा अगले वीडियो में। जरा स्पाइडरमैन देखिए ना, तो दोस्तों स्पॉइलर देने का या वो कहीं ना पोस्ट क्रेडिट सीन देने का शौक सा चढ़ रहा है, तो ये साइड में रख दिया है बस मैंने, ताकि आप लोग जो बेल आइकन नहीं दबाते ना, आप बेल आइकन दबाने लग जाएं इसके बाद। तो दोस्तों इस वीडियो में फटाफट बात कर लेता हूँ राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता की तरफ से आई इस उत्तर महा। जब भी दोस्तों मुंह से महाशब्द निकलता है तो दिल से आवाज आती है कि काश महानागायण होती, पर दोस्तों ये महानागायण तो नहीं है। अभी हमने महारावण पढ़ी थी, तो उसी का जो आगे की कॉमिक्स हैं उसको उत्तर महारावण के तौर पे हमारे सामने लाया गया है। और हो सकता है इसका कलेक्टर एडिशन भी हमको जल्दी ही देखने को मिले, लेकिन कलेक्टर एडिशन की बात अभी हम नहीं कर रहे। अभी हम बात कर लेते हैं इसमें आई सभी कॉमिक्स की। इसमें दोस्तों पहली कॉमिक्स है लघु घाती, और मैं आपको उसको ओपन करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट पेज पर आपको देखने को मिलेंगे ओरिजिनल सेट डिटेल्स, और इसके एंड में आपको देखने को मिलेंगे ओरिजिनल एड्स, और उसके साथ साथ यहाँ पे कहानी की समाप्ति कलयुग का एड इसमें आप देख पाएंगे। तो दोस्तों ये कॉमिक्स हमको मिली है 70 रुपये में, और इसमें जो हम मेजर बात करेंगे वो करेंगे क्वालिटी की। तो क्वालिटी को लेके इसमें आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। बाइंडिंग को मैं अगर बात करूँ तो इन सभी कॉमिक्स में जो बाइंडिंग की गई है वो थ्रेड बाइंडिंग है, चिपकाने वाली बाइंडिंग नहीं है, थ्रेड बाइंडिंग है। तो मजबूत है, लंबे समय तक टिकने वाली है, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं आएगी। पेपर क्वालिटी को लेकर चलूँ तो पेपर आपका इसमें ग्लॉस मैट है, 50-50 ग्लॉट पेपर इसमें आपका ये आ जाता है। इसके अलावा प्रिंटिंग क्वालिटी, प्रिंटिंग क्वालिटी में हर बार यही बोलता हूँ, प्रिंटिंग क्वालिटी में शिकायत मनोज गुप्ता जी में बिल्कुल भी नहीं आती। कलर्स जिस तरीके से ओरिजिनल कॉमिक्स में रहे थे उसको वैसे ही वापस रिक्रिएट यहाँ पे किया गया है, उसी तरीके से ये आपके सामने आ जाते हैं। तो कॉमिक वाइज ये कॉमिक्स प्रॉपर अपने आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। कवर पेजेस की जो शिकायत थी वो शिकायत भी दूर हो चुकी है, अच्छी क्वालिटी के कवर्स वापस लौट के आ चुके हैं। तो दोस्तों ये है पहली कॉमिक्स लघु घाती। दूसरी कॉमिक्स है दोस्तों आखिर तक, जिसमें आपको वही ओरिजिनल सेट डिटेल्स देखने को मिलेंगे इसके साथ वाले, और इन द एंड आपको यहाँ पे जो ओरिजिनल एड्स उस वक्त आए थे गुरु दक्षिणा है, यहाँ पे कहानी आधी रह जाती है, वो आपको आगे देखने को मिल जाएगी। कलयुग उस वक्त की पॉपुलर कॉमिक्स थी, तो ऑलमोस्ट उस समय की हर कॉमिक्स पे ये एड आता ही रहता था। पेपर क्वालिटी और प्रिंटिंग क्वालिटी और बाइंडिंग क्वालिटी सभी में दोस्तों सिमिलर है, अगर कोई चेंज रहेगा तो हम उसको देख लेंगे। विश्व रक्षक, तो हम कहते हैं नागराज को विश्व रक्षक, लेकिन पहला विश्व रक्षक जो है वो तो हमारा भोकाल है, उसकी कॉमिक्स भी आ चुकी है विश्व रक्षक भोकाल। तो दोस्तों ये है विश्व रक्षक, ओरिजिनल सेट डिटेल्स इसमें है, प्रिंटिंग आप इसमें देख सकते हैं, इसका फर्स्ट लुक आपके सामने, प्रिंटिंग को लेकर कोई शिकायत नहीं, बाइंडिंग मजबूत, ओरिजिनल एड डिटेल्स इसमें आपके सामने। इसके बाद कॉमिक्स है धरणीधर, ओपन मैं करता जा रहा हूँ दोस्तों, शिकायत वाली कोई चीज़ इसमें किसी तरीके की नहीं है, क्योंकि मैं इसको क्वालिटी एक बार देख चुका हूँ, ये डायरेक्ट अनबॉक्सिंग नहीं है। देखिए दोस्तों ये शक्ति जब आई थी शक्ति वर्ष में, तो आई शक्ति करके जो ये ऐड आता था तो बड़ा ज़्यादा क्यूरियोसिटी जगती थी इसको देख के, कि भाई कौन सी सुपर हीरोइन आ रही है, और ये हर जगह वाला फोटो देखने को मिलता था। मैंने तो उसको कई बार कई कॉमिक्स से काट के ना अपने अलमारी में भी लगा रखा था। आप लोगों ने ऐसा क्या किया था जरा वो भी तो शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और बराबर में आपको देखने को मिल रही है हमारे एक और हमारी दुखती रग जो है कोवी और भेड़िया, जिसका लंबे समय से इंतज़ार है कि कब ये रीप्रिंट होके आएगा और कब हम इसको अपने कलेक्शन में वापस ला पाएंगे। तो दोस्तों समय के साथ ये आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और एड्स भी लिम्पेट बम में। आप देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी सी प्रमाणों की कॉमिक्स थी। तो ये है हमारी धरणीधर, यहाँ पे है गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा को अगर हम ओपन करें तो इसमें भी आपको कोई शिकायत नहीं देखने को मिलेगी। ओरिजिनल सेट डिटेल्स यहाँ पे हैं, ओरिजिनल एड्स यहाँ पे हैं, दुश्मन का एड है। दोस्तों इन सभी जो कलेक्टर एडिशन, सॉरी ये जो पेपर बैक्स आ रहे हैं ना पुराने वाले, इनका एक फ़ायदा तो है कहानी तो आपको मिल ही रही है, क्वालिटी वाइज भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो ये लगती है कि जो ओरिजिनल एड्स हैं ये जो आ जाते हैं ना, ये आपको बिल्कुल ओरिजिनल वाला फील दे देते हैं, और उसके साथ साथ आपको ले जाते हैं आपके बचपन के समय में, जब आप इन कॉमिक्स को देख के रोमांचित हो जाते थे, और आप वेट करते थे कि कब ये कॉमिक्स आएगी और कैसी ये कॉमिक्स होगी, कैसे डोगा भूल चुका है सब कुछ, कैसे नागराज सपेरे से बचेगा, कैसे ये तिरछी टोपी वाला केस चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छी कहानी के साथ साथ आपको मिल जाती है, आपके बचपन की एक और याद ये आ जाती है। लक्ष्य पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग क्वालिटी, कवर क्वालिटी सभी में अच्छा जा रहा है, डबल क्वालिटी का सीन इसमें दोस्तों नहीं बना। लकीली सेम यहाँ पे ये वाली कॉमिक्स है आपकी गुरुत्वा, जिसमें भोकाल जाता है पाताल की तरफ और गुरुत्वा से भिड़ जाता है, शक्ति भी इसमें छिन जाती है एक बार को। यहाँ पे आती है मृत्युंजय, और यह है दुर्गमा। तो दोस्तों सभी कॉमिक्स एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानी,
और उसके साथ साथ आपका पुराना वाला एक फील, आपकी नॉस्टैल्जिक यादें इसमें जुड़ी हुई। तो ये 10 कॉमिक्स का सेट, अगर आप भोकाल के फ़ैन हैं तो आप इस सेट को स्किप करना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि छोटी छोटी कहानियां हैं दोस्तों, एक साथ आगे बढ़ती जाती है, कई जगह पे समाप्त है, कई जगह पे क्रमशः भी है, लेकिन पूरा सेट आप लेंगे तो कोई भी कॉमिक्स ऐसी नहीं बचेगी जो इसके बाद आपसे मिस हो जाए और आपको वेट करना पड़े अगले रीप्रिंट का। तो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। 70 रुपये पर कॉमिक्स आपको इसमें इसका प्राइस मिलेगा। सबसे अच्छी चीज़ है ओरिजिनल सेट डिटेल्स हैं, ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट हैं, तो आप अपने बचपन के समय को, या कहिए सबका बचपन नहीं होगा, कुछ बड़े भी रहे होंगे उस वक्त, तो अपने पुराने समय को, यानी अपने जो पीक टाइम था कॉमिक्स का, उसको आप दोबारा से जी पाएंगे, वो दोबारा फील कर पाएंगे। तो ज़्यादा इसके बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है, शिकायत इसमें मुझे किसी तरीके की नहीं लगी। बाइंडिंग जो इम्प्रूव कर दी गई है वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि इसमें आपकी अब बाइंडिंग जो हो चुकी है सिलाई के साथ आ चुकी है। तो वेट किस बात का कर रहे हैं, भोकाल के फैन हैं तो खरीदिए अपना सेट और पढ़िए फटाफट इस कहानी को, और शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आ गया है मुझे पता है, इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में दोस्तों मैं लेके आऊँगा और एक ऐसा ही सेट, मिलेंगे बहुत जल्द आपसे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।